नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में बोनिसन सिरप और बोनिसन ड्रॉप के बारे में। जानेंगे इसके बारे में क्या है, कहां दी जाती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, बोनिसन सिरप है, ये हिमालय कंपनी का प्रोडक्ट है। डॉक्टर की पर्ची से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की पर्ची से ही इसको छोटे बच्चों में प्रिस्क्राइब किया जाता है। छोटे बच्चों में ये सेल्फ यूज नहीं की जाती। दोस्तों, दो ऑप्शन में ये आती है। पहला है 100 ml, दूसरा है 200 ml। सिरप की बात कर रहा हूं। अगर 200 ml की बात करें तो कम से कम आपको 100 रुपए के आसपास ये मिल जाती है, ठीक है। ड्रॉपर की रेट अलग होती है, वो थोड़ी सस्ती आती है। पहले जान लेते हैं कितना बड़ा बच्चा इसका यूज कर सकता है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं ड्रॉप के बारे में। ड्रॉपर होती है ये, न्यू बॉर्न बेबी से लेके 1 ईयर तक बेबी तक चलती है। सिरप की बात करें तो 1 महीने का बच्चा भी इसका यूज कर सकता है, लेकिन उसकी डोज पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 महीने से लेके 3 साल तक का बच्चा सिरप का यूज कर सकता है। चलो जानते हैं यूज के बारे में कि कौन सी प्रॉब्लम में यूज करने के लिए डॉक्टर देते हैं। तो दोस्तों, पहली प्रॉब्लम आती है पेट से संबंधित प्रॉब्लम, यानी पेट के अंदर होने वाली प्रॉब्लम। जैसे कि अगर बच्चे को बदहजमी होती है, खट्टी खट्टी डकार आती है, बच्चे का पेट फूला हुआ लगता है, ठीक है। जैसे कुछ खिलाते हो बच्चा वॉमिटिंग कर देता है, बच्चे के दस्त लग जाते हैं, या दोस्तों बच्चा बहुत ज्यादा पेट पकड़ के रोता है, रात को बहुत ज्यादा रोता है बच्चा, बच्चे के बहुत ज्यादा गैस बन रही है, ठीक है। तो वहां पर फिर इसका यूज करने के लिए डॉक्टर देते हैं, पेट की प्रॉब्लम में, पेट दर्द की प्रॉब्लम में। दूसरा दोस्तों, इसका यूज किया जाता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यानी अपच की प्रॉब्लम के लिए। अगर बच्चे के पाचन शक्ति में कोई दिक्कत है, बच्चे के दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, या बच्चे के खाना पीना सूट नहीं कर रहा है, तो वहां पर फिर दिया जाता है अपच की प्रॉब्लम में। पाचन शक्ति को अच्छा करने के लिए, एंजाइम्स को बनाने के लिए इसका यूज करने के लिए डॉक्टर देते हैं, यानी पेट की बीमारी के लिए और पेट को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसको देने के बाद बच्चे को अच्छी भूख लगने लगती है, बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है, ठीक है, बच्चे का मेटाबॉलिज्म अच्छा बनने लगता है, हर चीज डाइजेस्ट करने लग जाता है बच्चा, वोमिटिंग नहीं होती, फिर कुछ भी खिला दो बच्चे के डाइजेस्ट होने लगता है इस सिरप का यूज करने के बाद। जानते हैं डोज के बारे में। तो देखिए, अगर सिरप की बात करें, अगर कोई बच्चा 1 महीने का है तो वो आधी आधी चम्मच दिन में 2 से 3 बार ले सकता है। दोस्तों, कोई बच्चा अगर 6 महीने तक का है तो 1-1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार ले सकता है। 1 साल से बड़ा बच्चा है वो 2-2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार ले सकता है। और सब कुछ डॉक्टर के ऊपर, बच्चे के बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है, अलग भी हो सकती है। जाने साइड इफेक्ट के बारे में, बिल्कुल भी नहीं देखे गए हैं अभी तक, कोई साइड इफेक्ट बच्चे के, कोई भी बच्चे के नहीं देखे गए हैं, इसलिए हर्बल मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जानते हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर आता है नेचुरल इंग्रेडिएंट। पहला आता है दिल ऑयल। दिल ऑयल जो होता है, ये गैस को पास आउट कराता है, गैस को बाहर निकालने में, गैस को रिलीज करने में काम आता है। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर आता है इला। इला दोस्तों अप्स की प्रॉब्लम काम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा इसके अंदर आता है लॉन्ग पीपल, यानी पीपली। दोस्तों, ये पेट दर्द में काम आता है, ठीक है, एंटी स्पास्मोडिक है, पेट की दर्द में, पेट में होने वाली प्रॉब्लम में काम आता है, तो इस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, संपूर्ण रिव्यू था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगाओ, कौन रोशिप देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।